अमेजॉन के वाइस प्रेसिडेंट श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, विभाग के ज्वाइंट सेक्रेटरी आदरणीय प्राची पांडे जी, अमेजॉन के पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर आदरणीय अमन जैन जी, एनसीईआरटी के सेक्रेटरी आदरणीय अमन शर्मा जी, यहां उपस्थित सभी आदरणीय शिक्षाविद, शिक्षक, एनसीईआरटी की अधिकारी मित्रगण, शिक्षक भाई और बहनों, मीडिया की साथी, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए आज के दिन एक महत्वपूर्ण कदम शिक्षा विभाग, एनसीईआरटी और अमेजॉन मिलके हम लोग एक कदम आज बढ़ाए। मैं आप सभी को, विशेष करके एनसीईआरटी और अमेजॉन को शुभेच्छा देता हूं आपने इस महत्वपूर्ण कदम को आगे ले जाने के लिए। मित्र, एनईपी के अंदर जो दो तीन मुख्य प्रायोरिटी के विषय है, शिक्षा गुणात्मक होनी चाहिए, शिक्षा सर्वस्पर्शी होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए, शिक्षा अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, इंक्लूसिव भी होनी चाहिए। मित्र, ये जब हम लक्ष्य रखते हैं, भारत में इन दिनों में हम सभी के सामूहिक एक एस्पिरेशनल इनिशिएटिव के कारण, एक बहुआकांक्षी इनिशिएटिव के कारण हमारे घर में नई पीढ़ी के लोग ऑनलाइन में परचेज करते हैं। यहां से पेरेंट्स बैठे हैं, आपको परचेज के बाद पता चलता है कि क्या बच्चा ने क्या परचेज किया है। कभी कभी आप उसको प्रशंसा करते हो, अमूमन तो डांट देते हो, इतना ऑनलाइन में क्यों खर्चा किया। लेकिन शायद जब वो किताब खरीदता है, आप उसमें से खुशी प्रकट करते हो, कम से कम बच्चा तो अच्छा चीज खरीदा। और जब स्कूल बुक्स, मैं पिछले 3 साल से शिक्षा विभाग से जुड़ा हूं और हमारी शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करते हुए इस बार ये विजय फिफ्थ किया, और हम पिछले 10 साल में हमारी सरकार की एक प्रायोरिटी की विषय रही है ईज ऑफ लिविंग। ईज ऑफ लिविंग को डिफाइन करते हुए भारत की सभी घरों में बच्चा पढ़े, उसकी बालक बालिका पढ़े, उसको नई किताब मिले और सुविधा से मिले, सस्ता मिले, गुणात्मक किताब मिले, अच्छे क्वालिटी की किताब मिले, ये एक बड़ा पवित्र काम सभी घरों में रहता है। भारत में अगर अमूमन मैं 30 करोड़ घर मानूं, कम से कम 25 करोड़ घरों में किताब लेके एक जिम्मेवारी की भाव रहती है। जैसे हमारे देश में डिजिटलाइजेशन की फुटप्रिंट बढ़ रहा है, भारत में डिजिटल स्टैक हर एक क्वार्टर में एक नया स्टैक जुड़ता है, भारत उसमें एक उल्लेखनीय उपलब्धि भी हासिल किया है। मैं अमेजॉन की सौरभ जी को धीरे से पूछ रहा था, इन दिनों में आपका ई कॉमर्स की कारोबार कितना है। मैं टैक्स डिपार्टमेंट के काम नहीं देखता हूं, फिर भी उन्होंने मेरे को नहीं बताया। आज एनसीईआरटी ने एक डिजिटल मार्केटिंग का एक नया इनिशिएटिव शुरू किया। हमारे मास्टर उत्तम मंच से आपको साकरानी जो सौरभ जी, आप ओरिजिनल व्यक्ति को भूल गए हो, हमारे सीबीएसई की मुख्य, हमारे राहुल जी, फाइनली किताब को खरीदने वाला संस्था हुई है। और इन दिनों में सीबीएसई ने भी एक अच्छा काम किया है। पहले सीबीएसई सिर्फ क्लास 9, 10, 11, 12 में ही एनसीईआरटी की किताब अनिवार्यता, ऐसे मान्यता था। लेकिन शायद अभी मेरे को एक दिन राहुल जी समझा रहे थे कि सर सीबीएसई को एक एग्जामिनेशन बोर्ड से एजुकेशन बोर्ड बनानी है, मैंडेट तो था ही एजुकेशन बोर्ड बनाने के लिए। धीरे धीरे सीबीएसई कुछ अन्य कामों में भी व्यस्त हो गया था, लेकिन हमारी सरकार ने सीबीएसई को अपने काम में फिर रीइन्फोर्स करवाया है। और अभी एनसीईआरटी के अंतर्गत 2 करोड़ बच्चे, लगभग 30,000 स्कूल है,
अभी मैं अमन जैन साहब को पूछ रहा था कि आप कितने जगह पे एनसीईआरटी की किताब पहुंचा पाओगे। उन्होंने कहा कि हमारी देखो सब कुछ कोइंसिडेंस है, जॉयफुल कोइंसिडेंस है। हमारे अमन शर्मा ये भी पोस्टल डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं मूलतः, और इन्होंने कहा, दोनों अमन ने कहा कि हम दोनों मिलके अमेजोन और इंडियन पोस्टल सर्विस दोनों मिलके हम एक जो गेटवे बनाएंगे 19,500 पिन कोड एरिया में आज अमेजोन की डिजिटल परचेजिंग हो सकता है। इसलिए मैं सबकी बिहाफ से विशेष करके देश की नागरिकों की ओर से राहुल जी आपको अनुरोध करता हूं सीबीएसई वाला इसका ध्यान रखे, अभी इसकी कोई शॉर्टकट और बहाना ना ढूंढे। डिस्ट्रीब्यूटर तो है ही, स्थानीय किताब की दुकान तो है ही, लेकिन उसके अलावा मैं भी पूछ रहा था कि इस बार एनसीईआरटी ने और एक महत्वपूर्ण कदम उठाई है। हर एक साल एनसीईआरटी में डिमांड सप्लाई का एक इश्यू रहता था, इस बार एनसीईआरटी ने शायद, और एनसीईआरटी की इतिहास लंबा है 1963 से अब तक, लगभग ये भी 60 साल हो गया, ये 60 साल में एनसीईआरटी ने 220 करोड़ किताब छपाए और बिक्री किया है। शायद दुनिया में भी ये अपने आप में एक अजूबा रिकॉर्ड होगा। कोई एक देश की एजुकेशन बोर्ड, एजुकेशन इकोसिस्टम 220 करोड़ और वेस्टर्न मॉडल में उसको मिलियन वगैरह गिनने में उनका भी थोड़ा दिमाग खराब होगा कि 220 करोड़ कितना मिलियन। हमको अभी सौरभ जी थोड़ा हमारे ऊपर इम्प्रेस कर रहे थे, मैंने कितना किताब बिक्री कर रहे हो, मैंने बोला मिलियंस किताब बिक्री कर रहे हैं, 1-2 मिलियन बिक्री कर रहे हैं। डू यू नो हाउ मच एनसीईआरटी इज रिक्वायरमेंट? एनसीईआरटी रिक्वायरमेंट इज 50 मिलियन। 5 करोड़ कभी किताब तो अभी छापता है। देखो उसको हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बिक्री करता है, हमारा स्टॉकिस्ट बिक्री करता है। अभी आप हमसे देखो दोनों अमन किस प्रकार के। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।